नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अवर ब्रेन अवर लाइफ में आपका स्वागत है। कुछ लोगों ने मेरे को सवाल पूछा, कुंडली मिलान का कोई साइकोलॉजी से रिलेशन है? मैंने सोचा कि इसका जवाब दिया जाए। हाँ बिल्कुल है। हम जब मैरिज के बंधन में बनने जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं, 8 गुण वो मिलाते हैं जिससे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में वो बताते हैं। उनमें से 2 मेन होते हैं। वैसे तो 8 के 8 की कोई वैल्यू है, लेकिन हम 2 का एनालाइज आज करेंगे इस वीडियो में। पहला, ग्रह या राशि स्वामी। ग्रह और राशि स्वामी अगर एक हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होने की संभावना है। दूसरा, गण दोष। गण दोष अगर नहीं है तो आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो ये दोनों जो हैं क्या साइकोलॉजिकली भी हम टेस्ट कर सकते हैं, ये सवाल था। हाँ, मेरा आंसर है यस, हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए इक्विपमेंट हैं, उसकी पूरी एक थ्योरी है। उन इक्विपमेंट से आप ये चेक कर सकते हैं, उन इक्विपमेंट से आप ये बता सकते हैं। तो राशि स्वामी क्या है और गण मिलान क्या है साइकोलॉजिकली? राशि स्वामी इज सजेस्टिबिलिटी ऑफ द पर्सन। सजेस्टिबिलिटी के लिए आप मेरा पुराने वीडियो देख सकते हैं, जो चाइल्ड की सजेस्टिबिलिटी उसके माँ के हिसाब से बनती है, मेरे वीडियोस में है पुराने में। जब आप ढूंढना चाहेंगे यूट्यूब पे मिलेगा आपको। तो सजेस्टिबिलिटी बहुत बड़ा मैटर करती है, क्योंकि सजेस्टिबिलिटी लाइफ लॉन्ग आपकी चेंज ही नहीं हो सकती, करेक्ट? तो जो चीज चेंज नहीं हो सकती, स्थिर है, अगर वो मैच कर जाए तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। और दूसरा आता है जो एस्ट्रोलॉजी गण दोष बोलती है, दैट इज द बिहेवियर। अगर 2 सेम बिहेवियर के लोग अपनी लाइफ चलाएंगे तो उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी चलेगी, नहीं तो एक टायर साइकिल का हो जाएगा और एक टायर ट्रैक्टर का हो जाएगा। तो दोनों के बिहेवियर में अगर चेंजेस होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। उसको हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट करके भी साइकोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं। तो सजेस्टिबिलिटी और बिहेवियर अगर मैच करता है तो उन दोनों की लाइफ अच्छी चलने की पूरी पूरी संभावनाएं। और देखिए, 2 अलग अलग साइंसेस, 2 अलग अलग थ्योरीज भी आके एक जगह मिल रही हैं। कुंडली में आप ग्रह जो है, जो आपकी राशि का स्वामी है, वो चेंज नहीं कर सकते, वो लाइफ लॉन्ग वही रहेगा, जन्म से उसका निर्धारण हो जाता है, करेक्ट? उसी तरह सजेस्टिबिलिटी का भी जन्म से निर्धारण हो जाता है। पहले 4 साल में आप ले चुके होते हैं जो सजेस्टिबिलिटी आपको लेनी है। यू कैन नॉट चेंज फॉर लाइफ। वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, जैसी भी है, वो पहले ही दिन से क्लोज हो चुकी है। देखिए कितना अद्भुत संयोग है दोनों का, ठीक है? अब आते हैं बिहेवियर पे। बिहेवियर कैन बी चेंज्ड। तो जो गण दोष है बिहेवियर है। अगर आपका बिहेवियर एज पर एस्ट्रोलॉजी उसमें गैप है तो प्रॉब्लम रहेगी, पर उसको आप चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर गण दोष को इतना महत्व नहीं देते हैं, बाकी 7 गुणों को देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये चेंजेबल है। और साइकोलॉजी क्या कहती है कि हाँ, बिहेवियर कैन बी चेंज्ड। देखिए, 2 अलग अलग थ्योरीज, 2 अलग अलग साइंस और एंड रिजल्ट सेम। कितना अद्भुत है, हमारे पूर्वजों का कितना ज्ञान था। तो हम ये लेके चले कि उस समय का जो विज्ञान था वो भी पावरफुल था और आज की साइकोलॉजी पावरफुल है। इन दोनों को अगर आप लेके चलेंगे तो नेट रिजल्ट सेम है। अब मशीनें आ गई हैं साइकोलॉजी में, जो मशीन आपकी सजेस्टिबिलिटी चेक कर सकती है। कुछ टेस्ट आ गए हैं जो टेस्ट कराने से आपकी सजेस्टिबिलिटी का पता लग सकता है। मोर ओवर, बिहेवियर का भी आपका पता लग सकता है। उस बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जा सकती है और वो चेंज भी हो सकता है। तो इन दोनों का अगर हम देखें तो दोनों को हम चेक कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी को हम डेट ऑफ बर्थ से चेक करते हैं, वी कैन चेक इट, एंड साइकोलॉजी में भी हम इसको चेक कर सकते हैं। बट साइकोलॉजी में हमें मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, वी डू द एक्सपेरिमेंट, वी डू द टेस्ट फॉर दैट एंड रिवर्ट टू दैम। तो दोस्तों, ये आपको एक नया अद्भुत संयोग कैसा लगा, इसमें आप अपनी राय दीजिए हमें। आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर्स स्क्रीन पे हैं आपकी, और हमारे
चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों में, ताकि लोगों के पास ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। ये सोशल सर्विस की एक्सपेक्टेशन मेरी आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम जल्दी ही मुलाकात फिर नए वीडियो के साथ करेंगे। थैंक यू।